लॉकडाउन तो बाद एक चीज देखनी चाहिए कि गुरुद्वारे और धार्मिक स्थान सारे बंद सन, लेकिन कुछ दिनों के विच वो जरूर ओपन हो जाएंगे आम संगत वास्ते। लेकिन आम संगत लैके गुरुद्वारे प्रबंध वालों, गुरुद्वारे के प्रबंधकों वालों एक सोच रखी जा रही है कि कितने जिहड़ी संगत ने आना है और ये जिहड़ी महामारी फैली उहदे विच की प्रीकॉशनस लिते जाण। तो उहदे वल्लों अज एक डैमो दिता जा रहा है कुछ फीडा वल्लों कि जिहदे च असीं देख सकते हैं कि किवें जिस जगह पर सब तो ज़्यादा हाथ लगने ने उत्थे उन्होंने कुछ कोटिंग का जिहड़ा है प्रोजेक्ट जिहड़ा है गुरद्वारा सिंह सभा जीके दे विच एक दी जा रही है डेमो। असं उन्होंने जेडे करन वाले ने गल करांगे। सर बताना चाहोगे कि ये जो है प्रोसेस ये क्या है और क्या मतलब बेनिफिट है, क्या है थोड़ा? तो ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड पेंट है और इसके अंदर सिल्वर को हमने यूज़ किया है क्योंकि सिल्वर बहुत सालों से यूज़ हो रहा है एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के लिए। हमने उसी को अभी यूसेज के लिए, ताकि जब सब लॉकडाउन के बाद आए वो भी सेफ़ रहें, सब सेफ़ रहें, उसके लिए हमने ये पेंट निकाला है जिससे कि हम कोई भी सरफेस कोट कर सकते हैं और इससे आप अपने वॉल, ग्लास, वुड, फ्लोर सब कुछ कोट कर सकते हैं। और ये इसके एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वायरस है वो जब सरफेस पे आता है, हमें अभी डर ये है कि हाथ लगाने पे वो वायरस हमें आ जाएगा, पर अभी क्या हो रहा है कि सरफेस पे जब वायरस जाता है, अगर वो सरफेस आपका इस पेंट से कवर्ड है तो वो वायरस कवर हो जाता है और फिर इनएक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होगा कि जब कोई बंदा दूसरा हाथ लगाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको वो वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो आप कह रहे हो इनएक्टिवेट हो जाता है, वो कितनी देर में हो जाता है? एक घंटे के अंदर वो मर जाता है और इमीडिएटली कॉन्टैक्ट आने पर वो वायरस ऑनवलप हो जाता है, कवर हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो वायरस स्प्रेड नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि इमीडिएटली वो कवर हो जाएगा और एक घंटे के अंदर वो मर जाएगा। तो प्रोसेस ये है। उसमें थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगे कि जैसे एक मैंने हाथ लगाया इस पर और आपने कहा कि एक घंटे तक वो मर जाएगा, लेकिन अभी मैंने हाथ लगाया और उसके बाद आपने आके हाथ लगाया, तो वो फिर ट्रांसफ़र होगा या नहीं? वो ट्रांसफ़र नहीं होगा इसलिए क्योंकि वो वायरस कवर हो चुका है। okay. तो वो वायरस मरने का प्रोसेस एक घंटे बाद होगा, बट वो स्प्रेड नहीं करेगा। okay. तो अभी जो कोरोना वायरस के आपने देखे होंगे जो फोटोज़ जो आपके आते हैं उसके से वो टेंटिकल्स निकले होते हैं, वो पूरा कवर हो जाता है, तो उससे वो स्प्रेड नहीं होगा क्योंकि टिपिकली वायरस किसी फैटी एसिड को पकड़ता है। तो वो जब वो स्प्रेड ही नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो आगे स्प्रेड नहीं करेगा। और एक चीज़ और बताइए, ये जो है अब कर रहे हैं तो ये कितने दिन तक रिलायबल है, ये कितने दिन तक ये अब अक्षय? 5 साल तक चलेगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो कोटेड है 5 साल तक रहेगी? कोटिंग 5 साल तक रहेगी। अब अगर आप लोग इसको सोचिए, आपने कलर ही चेंज कर दिया तो फिर बात अलग है, पर अगर जैसे अभी कोटिंग कर दी, ये 5 साल तक रहेगी। इसको आप नॉर्मली क्लीन कर सकते हैं पानी से, या जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल क्लीनर्स हैं उनको आप यूज़ करके इस पर कर सकते हैं और इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पानी भी यूज़ कर सकते हैं, हटेगा नहीं, वाटर प्रूफ है, एसिड प्रूफ है, तो नॉर्मल क्लीनर्स का कोई इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, साफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, जो हम बात कर रहे थे कि गुरुद्वारों के विच क्योंकि संगत ने आना शुरू करता है या जिवें जिवें गुरुद्वारे खुलणगे आना शुरू हो जाएंगे, तो उहदे वास्ते जिवें इत्थे इन्हां ने एक डेमो दिता तो जंगला किया जा रहा है, गोलक नूं भी किया जा रहा है, तो हुणे उह पालकी साहिब नूं भी इन्हां दा करन दा प्रोग्राम है। और असीं हुणे जिवें देखिया कि बाहर जिहड़ी रेलिंग हैगी है क्योंकि इहो जिही जगह जिथे सब तो ज़्यादा हाथ लगते हैं। हाँ, ये एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये आपने बताया जैसे यहाँ पे पिलर वुडन के हैं या दरवाजे वुडन के हैं, तो वो सभी सरफेस पे? सब सरफेस, ग्लास, वुड, मेटल, नॉर्मल वॉल, हर सरफेस पे हो सकता है। एक यह जो उपराला है कि प्रिकॉशंस जड़िया ने क्योंकि हूँ जरूरी रहनिया ने कई काफ़ी टाइम तक, तो वो वास्ते एक जरा इन्होंने अज जीके टू के गुरुद्वारे डेमो दिखती है, तो हमें असं तुम दिखावे कि किमें जंगला कर रहे हैं और उस तो बाद उन्होंने पालके साहब भी करने हैं, तो असं इन्हें जरूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
तो उसनों मद्देनज़र रखते हुए गुरु धामां दी जिहड़ी साफ संभाल और ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। उहदे विचों एक उपराला जिहड़ा अज असी डेमो चल रहा है जीके दे गुरुद्वारे वो जिहड़ा डेमो चल रहा है जीके दे गुरुद्वारे उहदे विच असी देख रहे हैं कि एक पॉलिश की जा रही है खासकर जिन्ना भी मटीरियल है भावें वो अगे जंगला सीगा गुरु की गोलक सीगी या पालकी साहब सीगी अते दरवाजे नूं भी और इवन कि बाहर जिहड़े रेलिंग है उन्होंने भी किया गया तो उस बारे असी गल करांगे वी जी की जी हैगा ते की किया जा रहा बेसिकली तुसीं बिल्कुल ठीक आ गए हरजोत जी। 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए ने संगत अपने घरां च कह सकते हैं असी गुरु घर आ नहीं पा रहे दर्शन कर नहीं पा रहे गुरु साहब के ते हुण जदों ये लॉकडाउन खुलूगा उदों की गाइडलाइनस आनी अजे सानूं नहीं पता बट हाँ जी खुलूगा संगत आनी शुरू होएगी। दरबार साहब बहुत जरूरी है कि असी उन्हां दी सेफ्टी का ध्यान रखिए ते जो इस टाइम हर गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सोच रही होगी अपने अपने पक्षों के की करना चाहिए। तो एक नैनोकैमिक्स ऑर्गनाइजेशन कंपनी हैगी है दिल्ली बेस्ड ही हैगी है जिन्होंने सानू कॉन्टैक्ट किया असी एकम से एक मोबाइल ऐप हैगे हैं असी वर्ल्ड ओवर सारे गुरुद्वारे कनेक्ट कर रहे हैं अपने मोबाइल ऐप से एकम से एक मोबाइल ऐप से तो नैनोकैमिक्स ने सानू टच बेस किया कि उन्होंने प्रोडक्ट्स पब्लिक प्लेसिस वास्ते है तो सानू भी क्वेरी जागी क्योंकि असी भी संगत है ये होना चाहिए है कि पूरी सैनिटाइजेशन होवे पूरी कोटिंग होवे पूरा ध्यान रखा जाए संगत का तो असी इन्हों के प्रोडक्ट जाके देखे पहला टू एन एक्सटेंट असी वेरीफाई भी किए इन्हों की सर्टिफिकेशन देखी काफ़ी इन्हों के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं यूरोप तो जिमें कि बेलजियम फ्रांस तो US तो कुछ ही प्रोडक्ट्स इंडिया भी बना रही है जिहड़े यूज़ कर जिवें तुसीं देख रहे हो कोटिंग यूज़ हो रही है तो ये इंडियन प्रोडक्ट है तो इस तरह के इन्हां दे 5-6 प्रोडक्ट्स हैगे तो असी फिर इन्होंने कहा जी गुरुद्वारे भी पब्लिक प्लेसिस हैगे असी कहा बिल्कुल ठीक है तो फिर असी थोड़ी जी गल तोरी इस तरह कि असी 2-3 गुरुद्वारा कमेटी नूं अप्रोच किया तो अज असी सिंह सभा ग्रेटर कैलाश 2 हैगे हैं इन्हां दी मैनेजमेंट का धन्यवाद कि इन्होंने सानू डेमोन्स्ट्रेशन वास्ते इत्थे जगह दिती तो बेसिकली एकम सिख का काम हैगा कि इस तरह के उपरालिया थोड़ी जी हल्लाशेरी दे क्योंकि संगत की प्रोटेक्शन की लोड़ है तो बाकी मैनेजमेंट कमेटी जो अपने हिसाब नाल नैनोकैमिक्स जिहड़ी ऑर्गनाइजेशन है उन्होंने असी इन्हां दा संपर्क करा रहे हैं तो अगे वो जिवें कराना चाहन पर प्रोडक्ट्स में जिमें असी देखिए यूरोप तो US की सर्टिफिकेशन है अच्छे प्रोडक्ट्स है तो संगत वास्ते सानू प्रोटेक्शन ही करना चाहिए है। बिल्कुल ठीक है जिमें टेक्निकली टीम ने भी दसिया कि इतने अगर कोटिंग हो जाती है तो उस तो बाद जिहड़ा इतने अगर कोई हाथ लगाता और उस तो बाद इमीजिएट दूसरा भी लगाता है तो वह जो ट्रांसफर नहीं होता तो ये एक बड़ी वड्डा चीज़ हैगी क्योंकि इस टाइम जो हालात ने हर बंदा सहमे होया है कि पता नहीं कितने मैं वो कण मिल जाए तो मेरा नुकसान हो या मैं बीमार हुआ या मैं प्रॉब्लम हो वास्ते एक जड़ा सेवा जड़ी है ये शुरू हुई है तो बड़े नॉमिनल चार्जेस से उन्होंने शुरू की है तो असी उन्होंने बधाई भी देने कि एक नवी चीज़ जी क्योंकि गुरु घर शायद बहुत लोड़ है वो बारे असं अच्छ गल कर रहे जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।